अस्सलाम वालेकुम, ओरियल प्रॉपर्टी से अहमद वलीद आपसे मुखातिब हूँ और आज आपके लिए ये 11 मरला का अल्ट्रा मॉडर्न डिज़ाइनर हाउस लेके आया हूँ, जो कि एक ट्रू सेंस में डिज़ाइनर हाउस है और बहरिया टाउन इस्लामाबाद में प्राइम लोकेशन पे ये घर लोकेटेड है ओवरसीज सेक्टर्स में। सो इसी वीडियो में आपको इस घर का मैं कंप्लीट टूर दूंगा, सो ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। ओरियल प्रॉपर्टीज़ को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के खूबसूरत और मॉडर्न घर हम आपको दिखाते रहें। बात करें घर की फ्रंट एलिवेशन में तो आपको खूबसूरत अल्ट्रा मॉडर्न कंटेम्प्रेरी स्टाइल फ्रंट एलिवेशन नज़र आ रही है। यहाँ पे खूबसूरत आप पॉकेट प्लांटर्स देख सकते हैं, एक अल्ट्रा मॉडर्न थीम पे एलिवेशन डिज़ाइन की गई है और यहाँ पे ये सामने इसका मेन गेट आप देखें, खूबसूरत थीम के लिहाज से और प्रॉपर एक ट्रू सेंस में ये घर डिज़ाइनर हाउस है। सो बात करें इस घर की आस्किंग प्राइस की तो 5,60,00,000 रुपया इस अल्ट्रा मॉडर्न डिज़ाइनर हाउस की आस्किंग प्राइस है और 5 स्पेशियस बेडरूम आपको इस घर में मिलते हैं और A+ क्वालिटी की इस घर की कंस्ट्रक्शन है। सो अभी आपको जल्दी से घर के अंदर लेके आते हैं और अंदर से कम्प्लीट टूर देते हैं। यहाँ से इस तरफ देखें तो ये आपका रैंप एरिया है, सामने इसका मेन गेट है और यहाँ पे ये सामने आपका ये ग्रीन बेल्ट है बाउंड्री वॉल के सामने और एक खूबसूरत आपको मेन गेट मिलता है आम ट्रेंड से हट के। सो जल्दी से आपको ये सेपरेट एंट्रेंस से घर के अंदर ले के आता हूँ और यहाँ पे एंट्रेंस के साथ ये है आपका एक कार पोर्च, यहाँ पे आपकी 2 गाड़ियाँ इस तरफ पार्क हो सकती हैं। सामने है इसकी मेन एंट्रेंस, साथ में ड्राइंग रूम की एंट्रेंस है और ये आपकी ड्राइंग रूम की एक बड़ी सी विंडो यहाँ पे दी गई है और यहाँ पे भी आपकी एक गाड़ी पार्क हो सकती है और आपको सबमरीन वाटर पंप यहाँ पे मिलता है। ये वाटर टैंक आप देख सकते हैं अंडरग्राउंड और एलिवेशन बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव एलिमेंट है इस घर का। ये प्लांटर्स आप देखें, ये टेरेस आप सामने देख सकते हैं, एक बड़ा सा टेरेस है जो कि प्रॉपर आप इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें प्राइवेसी को मेनटेन रखा गया है। आगे यहाँ से बढ़े तो ये आपके साइड वॉक्स हैं घर की, साथ में पानी के पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं और ये यहाँ से सीधा बैक तक जाते हैं और इस तरफ ये इसकी मेन एंट्रेंस है और मेन एंट्रेंस पे साथ में आपको ये ड्राइंग रूम का डोर मिलता है आपके गेस्ट के लिए, बाहर से प्राइवेट एंट्रेंस और एक बहुत ही खूबसूरत आपका यहाँ पे बड़े साइज का मेन डोर आप देख सकते हैं और एक ही आपको बड़ा स्टेप यहाँ पे मिलता है। सो जल्दी से घर के अंदर एंटर होते हैं और अंदर से आपको इस घर का कंप्लीट टूर देते हैं। एंट्रेंस के साथ ही क्या खूबसूरत आपको डबल हाइट यहाँ पे दी गई है और एक वुडन डेक आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक मॉडर्न वुडन स्टेयर केस आप देख सकते हैं। बिल्कुल सामने यहाँ पे ये डाइनिंग एरिया है और इस तरफ 2 बेडरूम सामने आपको मिलते हैं और ये है आपका एक बड़ा ही खूबसूरत अल्ट्रा मॉडर्न थीम एक किचन, क्योंकि बॉटम टू टॉप डबल हाइट में बनाया गया है, फुल हाइट किचन है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है और बड़ा ही प्यारा किचन है। और इस तरफ ये एक प्लांटर आप देख सकते हैं और ये आपके स्टेयर्स हैं और यहाँ पर राइट साइड पे ये है आपका एक ड्राइंग रूम जिसमें आपको ट्रांसपेरेंट डोर्स मिलते हैं, ये डबल डोर आप देख सकते हैं जिसमें वुडन फ्रेम है और दरमियान में आपका ये टेम्पर्ड ग्लास है। सो यहाँ से हम एंटर होंगे इस ड्राइंग रूम में, काफ़ी स्पेशियस ड्राइंग रूम, बड़ी प्यारी यहाँ पर आपको डिज़ाइंड वॉल मिलती है, वॉल लाइट्स आप देखें और ये एक पैनोरामिक विंडो आपको यहाँ पर दी गई है जो कि एक मेजर सोर्स है लाइट का, वेंटिलेशन का। और यहाँ पे ये एक सेपरेट एंट्रेंस है जहाँ से आपका गेस्ट प्राइवेटली यहाँ पे ड्राइंग रूम में आ सकते हैं और इस तरफ ये फैमिली के लिए एंट्रेंस दी गई है आपके ड्राइंग रूम की। और यहाँ पे ये एक मीडिया वॉल है, यहाँ पे आप LED प्लेस कर सकते हैं, नीचे कुछ ड्रॉज बने हुए हैं, बल्कि ये जो कैप आपके ड्रॉज हैं ये आप इस तरफ रखें और यहाँ पे LED सामने आएगी, वहाँ पे वो विंडो बनाई गई है जो कि ओपन टू स्काई एरिया में है। सो यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो बिल्कुल सामने आपके 2 बेडरूम्स हैं, टोटल 5 बेडरूम अकोमोडेशन है। अक्सर डिजाइनर हाउसेज में अकोमोडेशन का मसला होता है लेकिन इस घर में आपको 5 स्पेशियस बेडरूम दिए गए हैं और साथ में आपको एक सेपरेट डाइनिंग एरिया मिलता है, यहाँ पे आपका डाइनिंग आएगा। फ्लोरिंग पे आप यहाँ पे वुडन फ्लोरिंग देख सकते हैं, लेमिनेटेड वुड यूज की गई है, अल्मोनियम प्रोफाइल लाइट्स आप देख सकते हैं इसकी सीलिंग में और ये डबल हाइट एरिया है, एक खूबसूरत सा शैंडलियर और यहाँ पे वुडन डेक आपको एक्स्ट्रा स्पेस दी गई है और ये है आपकी एक अल्ट्रा मॉडर्न वुडन स्टेयर केस, एक कस्टम डिजाइन स्टेयर्स। तो अभी आपको ये किचन विजिट करवाते हैं तो ये डीको पेंटेड कैबिनेट्स आप देख सकते हैं और किचन आपका डबल हाइट में है, स्पेशियस किचन है और डबल हाइट होने की वजह से आपको यहाँ पे खुला खुला एहसास होता है, ऊपर से छत जो है वो डबल हाइट में है और ये डीको पेंटेड कैबिनेट्स, उनकी हाइट आप चेक करें सीलिंग तक, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है और फुटाइल और सिग्नेचर की अप्लाइंसेज आपको यहाँ पे दी गई हैं, कोरियन का काउंटर टॉप है और टाइल बड़ी खूबसूरत है
और कैबिनेट्स के नीचे ये लाइट का इस्तेमाल किया गया है जो कि इसको और भी खूबसूरत बना रहा है। इस तरफ है आपका सिंक, बिल्कुल सामने एक विंडो दी गई है और ये हैं आपके ये अप्लायंसेस, ये माइक्रोवेव ओवन, और आप ग्लास कैबिनेट्स देख सकते हैं जो कि इसको और भी खूबसूरत बना रहे हैं। बहुत ही प्यारा किचन है। तो ये आपका ओपन किचन है, इसके साथ आपका क्लोज किचन भी दिया गया है। यहाँ पे साथ ही आपका एक क्लोज किचन है जो कि प्रॉपर प्रैक्टिकल है। यहाँ पे आप अपनी हैवी कुकिंग कर सकते हैं। इसमें बर्नर भी दिया गया है, एग्जॉस्ट हुड भी है, ये सिंक भी दिया गया है, तो आपका मेन किचन जो है वो बच जाता है। और यहाँ पे ये डबल डोर फ्रिज इस तरफ आएगी। सो दो आपको किचन यहाँ पे दिए गए हैं और 5 स्पेशियस बेडरूम्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। अभी आपको जल्दी से बेडरूम दिखाते हैं। यहाँ से ये डाइनिंग एरिया के साथ ही, मतलब ये वहां पे किचन में कुकिंग करें और यहाँ पे सीधा ये डाइनिंग एरिया में सर्व करें, और सामने हैं आपके बेडरूम्स। तो बेडरूम्स भाई यहाँ पे आपको 2 ग्राउंड फ्लोर पे मिलते हैं और 3 फर्स्ट फ्लोर पे हैं। काफी ज्यादा हाइट है डोर्स की और स्पेशियस बेडरूम आप देख सकते हैं। 11 मरला का घर है और इतने इतने बड़े आपको इसमें बेडरूम्स मिलते हैं। फ्लोरिंग पे टाइल आप देखें, खूबसूरत 2x4 की टाइल। और इस तरफ आपकी ये बेड वॉल है जो कि बहुत ही प्यारी बेड वॉल है। और यहाँ पे आप सीलिंग देख सकते हैं, वॉल लाइट्स आप देखें बड़ी प्यारी हैं। और ये है आपके एक वार्डरोब जो कि वॉल के अंदर कंसील्ड है, कंसील्ड वार्डरोब आपको मिलती है। और यहाँ पे बेड के साथ आपकी अच्छी सिटिंग भी बन सकती है, इतना रूम स्पेशियस है। साथ में इसका वॉशरूम है। और अभी आपको घर की मैं बैक दिखा देता हूँ इस रूम के साथ। यहाँ से आप घर की बैक पे जा सकते हैं। भाई ये आपकी बैक स्टेयर्स हैं, स्पाइरल स्टेयर्स जो कि ऊपर सर्वेंट क्वार्टर तक जाती हैं। और ये पीछे गीजर है और इस तरफ ये कुछ पानी के पॉइंट हैं, सो आप ऊपर फाइबर लगा के तो यहाँ पे अपना लॉन्ड्री एरिया डिजाइन कर सकते हैं। और ब्लैक एल्युमिनियम विद क्लियर ग्लास विंडोज में यूज की गई है। आगे बढ़ें तो यहाँ पे ये है इसका अटैच वॉशरूम, टाइल बहुत ही खूबसूरत। सामने है आपकी ये कोरियन की वेनिटी, कोरियन नहीं है ये टाइल है, लेकिन इतनी सफाई से लगाया गया है कि वो एजिस फील ही नहीं हो रहे। और यहाँ पे है आपका ये शावर और सामने एक नीश है जिसके अंदर लाइट लगाई गई है। और इस तरफ ये है आपका कमोड। सो जल्दी से आपको बाकी दूसरा बेडरूम विजिट करवाते हैं क्योंकि 2 बेडरूम आपको ग्राउंड फ्लोर पे मिलते हैं। बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं और हाइट आप देखें ना डोर्स की, तो नॉर्मल हाइट से ज्यादा हाइट आपको इस घर में मिलेगी। और बहुत ही प्यारे यहाँ पे डोर्स डिजाइन किए गए हैं। सो ये है सेकेंड बेडरूम, फ्लोरिंग पे है वुडन टाइल जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। और सामने एक विंडो बड़ी सी आपको यहाँ पे दी गई है और ये आपकी वॉल है, इसके ऊपर वॉल लाइट्स। और इस तरफ मतलब काफी मुनासिब साइज का ये भी बेडरूम है। सीलिंग देखें आप, बिल्कुल सिंपल एलिगेंट स्टाइल। और एक आपको यहाँ पे विंडो दी गई है आपकी वेंटिलेशन के लिए। सो साथ में आपको वॉशरूम में दिखाता हूँ। तो ये है आपका वॉशरूम, खूबसूरत मार्बल टाइल का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, वाइट टाइल है विद मार्बल ग्रेन्स। और ये भी आपको मतलब इसके भी वेनिटी के ऊपर टाइल वर्क किया गया है और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग है यहाँ पे। ये है आपका एक वेनिटी मिरर। और इस तरफ ये आपका शावर कैबिन है, आपको सीलिंग के अंदर शावर हेड मिलता है इसमें। और यहाँ पे ये सामने है आपका ये वॉल हैंग कमोड, बहुत ही प्यारा कमोड यहाँ पे। और इस तरफ भाई ये है आपकी वार्डरोब्स जिसमें आपको ग्लॉस फिनिश मिलता है फ्रंट्स पे, खूबसूरत यार, बिल्कुल टाइल के साथ मैच करती है। और ये आपका फ्रॉस्टेड ग्लास है, ऊपर आप विंडो खोल भी सकते हैं। सो जल्दी से आपको फर्स्ट फ्लोर दिखाते हैं, वुडन डेक दिखाते हैं पहले, फिर आपको फर्स्ट फ्लोर पे लेके आते हैं। आगे बढ़े तो ये स्टेयर्स से हम अभी ऊपर जाएंगे, ये डाइनिंग एरिया के साथ इसकी स्टेयर्स है, ये वुडन स्टेयर्स, मेटल का इसका फ्रेम होता है, इसके ऊपर ये वुडन स्टेप्स हैं। और ये आपको डबल हाइट वॉल मिलती है जिसके ऊपर आपको यहाँ पे वॉलपेपर का इस्तेमाल मिलता है। और ऊपर ये ओपन टू स्काई एरिया है, नेचुरल लाइट आपके घर में आती है। इस वॉलपेपर को आप इन फ्यूचर चेंज भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। और ये है आपका एक वुडन डेक, ये वुडन पैनल्स यूज किए गए हैं यहाँ पे फ्लोरिंग पे। और आगे इस तरफ देखें तो क्या स्पेशियस आपका ये हॉल है ऊपर वाला, फर्स्ट फ्लोर आपका। आप ब्रिज देख सकते हैं सामने, बड़ा ही प्यारा शैंडलियर है यहाँ पे। और सामने रूफटॉप की स्टेयर्स है। तो यहाँ पे आप अपने बच्चों के लिए कोई स्टडी एरिया डिजाइन कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी मर्जी से जिस तरह भी आप इसमें यूज करना हो। सो आगे यहाँ से बढ़े तो भाई बिल्कुल सामने इस तरफ 2 बेडरूम्स आपके, ये 2 बेडरूम्स और एक बेडरूम आपको यहाँ पे ये ब्रिज से गुजर के तो आप जाते हैं सामने वाले बेडरूम्स में, एक बेडरूम में। और इसके ऊपर भी वुड पैनल्स यूज किए गए हैं, ये रियल वुड है। और इस तरफ भी आपको ये कुछ स्पेस बचती है, सो आप यहाँ पे भी इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी मर्जी से।
नेचुरल लाइट जो है वो घर में अच्छी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे विंडोज बड़ी बड़ी दी गई हैं, इस तरह के OTS दिए गए हैं, यहाँ पे OTS है, सो लाइट बहुत ज़रूरी है। सो ये आप यहाँ पे एक दफ़ा देख लें, यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी स्पेस है। सो जल्दी से आपको ये वाले बेडरूम विजिट करवाते हैं। बिल्कुल सामने एक बेडरूम, स्पेशियस बेडरूम, सेम जिस तरह से इसके नीचे वाला बेडरूम है उसी तरह से। अब टाइल देखें, बहुत प्यारी टाइल है, सामने एक बड़ी सी विंडो यहाँ पे दी गई है, और ये आपकी वार्डरोब है। ये वार्डरोब एरिया देखें, साथ में है आपका अटैच वॉशरूम, और बॉटम टू टॉप इसमें टाइल का इस्तेमाल किया गया है, बहुत ही खूबसूरत टाइल है। और सामने आपका है ये कमोड, और ये आपका शावर कैबिन कंप्लीटली सेपरेट। और ये चीज चेक करें, ओपन टू स्काई एरिया जनाब, ऊपर कुछ चीजें पड़ी हुई हटाएं तो आपको स्काई नजर आएगा। और ये है आपका शावर, बेहतरीन, और यहां पे अपना कुछ सामान वगैरह आप रख सकते हैं। और इस तरफ है आपकी ये वैनिटी, प्यारी वैनिटी है, जो टाइल आपकी वॉल्स पे यूज हुई है उसी टाइल से इस वैनिटी को बनाया गया है। सो जल्दी से आपको दूसरा बेडरूम विजिट करवाता हूं, जो कि बिल्कुल इसके साथ है, जैसे कि नीचे वाले बेडरूम है उसी तरह से ऊपर वाले की भी अरेंजमेंट है। तो उसी साइज का बेडरूम है, फ्लोरिंग पे वही 2x4 की टाइल है, सीलिंग सिंपल सीलिंग है यहाँ पे, और जितनी चीजें सिंपल उतनी प्यारी लगती हैं। सामने एक बड़ी सी विंडो, और यहाँ पे है इसका अटैच वॉशरूम, क्या खूबसूरत ये वॉशरूम है। और नेचुरल लाइट जब आती है ना वॉशरूम में, तो लाइटें ना भी जली हो तो लाइट ही लाइट है। ये है आपकी वैनिटी, और इस पर भी टाइल वर्क किया गया है, ये टाइल लगी है इसके ऊपर, ये आप एजेस देखें ना, और साथ में ये वैनिटी मिरर आप देखें। सामने है आप एक दादा आपका कमोड, ये है भाई आपका शावर एरिया, और खुला वॉशरूम है, सीलिंग भी आप देख लें। और इसकी वार्डरोब मैं आपको दिखा दूं तो भाई ये है आपकी वार्डरोब, ग्लास फ्रंट है इसके भी। सो जल्दी से आपको लास्ट बेडरूम इस घर का विजिट करवाते हैं, जो कि हम ब्रिज क्रॉस करके जाएंगे दूसरी तरफ। यहां से ये है एक कनेक्टिंग ब्रिज, यहां से हम गुजरते हुए सामने वाले बेडरूम में जाएंगे, और ये डबल हाइट है दोनों तरफ से, इस तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी आप देखें तो ये आपका इस तरफ किचन नजर आता है। तो यहाँ पे खड़े होकर आप किचन में भी हतून हाना से बातचीत कर सकते हैं। सो यहाँ पे है आपका ये लास्ट बेडरूम इस घर का, स्पेशियस बेडरूम है ये भी, फ्लोरिंग पे वुडन टाइल है इसमें, और सामने एक डिजाइंड वॉल आप देख सकते हैं, ये देखिए। और इस रूम में लाइट का सोर्स आपकी ये एल शेप कॉर्नर विंडो, बेहतरीन। और आगे बढ़े तो भाई तब ये आप विंडो देखें, मुझे इस तरह की विंडोज बड़ी पसंद है, यहाँ पे अनलिमिटेड व्यू है आपका, ये आपका टेरेस है। और भाई इसके साथ ये है एक वॉक इन वार्डरोब, खूबसूरत सामने ग्लास कैबिनेट देखिए, पूरे का पूरा बनता नजर आता है यहाँ पे। सो आप इसको एज ए ड्रेसिंग मिरर भी यूज कर सकते हैं। और ये आपके वार्डरोब है, सामने आपको ग्लास फ्रंट वाली वार्डरोब मिलती है, ये आपका टेरेस का डोर है, अभी हम टेरेस पे भी जाएंगे। और यहाँ पे देखिए काफी ज्यादा स्पेस है, और ये आपका है वॉशरूम इसके साथ अटैच वॉशरूम, बिल्कुल सामने है आपका ये खूबसूरत वैनिटी सेटअप, वैनिटी मिरर आप देख सकते हैं, और सारी वैनिटी मिरर के पीछे ये लाइट होती है जैसे ये, और ये आपकी वैनिटी है। और इस तरफ ये है आपका शावर कैबिन कंप्लीटली सेपरेट, ये मास्टर बेडरूम है उसी तरह का, इसके साथ वॉशरूम भी। ये वॉल हैंग कबोर्ड आप देखें, बहुत ही प्यारा, और शावर कैबिन कंप्लीटली सेपरेट होना चाहिए, तो इसमें आपको सेपरेट मिला है, और कंसील्ड आपको सारा शावर सेटअप मिलेगा, और उसके ऊपर वो रेन आप शावर देख सकते हैं। सो साथ ही आपका ये वॉक इन वार्डरोब, स्पेशियस बेडरूम, और तीसरी चीज इस रूम के साथ आपको मैं दिखाऊं तो भाई आपको टेरेस की एक्सेस भी मिलती है यहाँ पे, और टेरेस भी ऐसा कि आप इसको यूज कर सकें, अंदर की तरफ ये दरवाजा खुलता है, और ये आप टेरेस देखिए, तो यहाँ पे आप खड़े भी हो सकते हैं, यहाँ पे आप चेयर रख के बैठ भी सकते हैं धूप में, जैसे कि अभी धूप निकली हुई है। और यहाँ पे अगर आपको व्यू चाहिए बाहर का, अगर इधर से कवर है, कर्व है, कवर है, तो यहाँ पे आप ये, अगर आपने रोड से किसी से कुछ बात करनी है, यहाँ पे अगर बाहर घर के कोई आया तो यहाँ पे आप खड़े हो सकते हैं। और इस तरफ बढ़े तो यहाँ पे भी आपको स्पेस मिलती है, ये देखें, अगर आपने लॉन्ड्री वगैरह बनानी हो तो ये आपके पानी के पॉइंट,
फैसिलिटियां यहाँ पे दिए गए हैं और बड़ी अच्छी से ये टेरेस को यूटिलाइज किया गया है कि यहाँ पे आप अपनी लॉन्ड्री बना सकते हैं। ये चीज़ मुझे बड़ी पसंद आई है, अक्सर ये स्पेस ज़ाया जाती है टेरेस की, तो वहाँ पे आप अपनी वॉशिंग मशीन वगैरह रखें और यहाँ पे आप लॉन्ड्री सेटअप बना सकते हैं। और बाकायदा प्राइवेट एरिया है, कोई इस तरह से नहीं है कि प्राइवेसी को कोई मसला नहीं है। और ये यहाँ पे ऊपर से कवर है तो आप यहाँ पे बारिश में भी बैठ सकते हैं, कोई इस तरह का इशू नहीं है। और ये आपकी विंडो है, रूम आपका सारा यहाँ से नज़र आता है। सो भाई ये था लास्ट बेडरूम, अभी रूफटॉप रहता है, रूफटॉप हम आपको विजिट करवाएंगे यहाँ से। इस रूम का साइज भी, सारे बेडरूम्स का साइज काफ़ी ज़्यादा है, बड़े रूम्स हैं। डिज़ाइनर हाउस में स्पेस को भी मैनेज करना बड़ी बात है, अक्सर अकोमोडेशन के लोग जो है कंप्लेंट्स करते हैं कि भाई घर तो प्यारा है लेकिन रहने की जगह नहीं है। तो अभी आपको रूफटॉप दिखाते हैं, ये स्टेज देखिए, रूफटॉप की बड़ी प्यारी स्टेज है। यहाँ से अभी हम ऊपर जाएंगे और यहाँ पर भी लाइट का सोर्स आप देखेंगे, बड़ी विंडो है, ऊपर जाते हुए एहसास होता है लाइट है इस घर में। सो ये है इसका रूफटॉप, ये इसका जो ओटीएस है ऊपर से कवर किया हुआ है। सो ये चिप्स का इस्तेमाल किया गया है छत पे, ये आपका वाटर टैंक है, पानी आपका ख़त्म नहीं होने देगा। और ये विंडोज़ को सामने कवर किया गया है। ये है सर्वेंट क्वार्टर, इसकी एंट्रेंस आप देख सकते हैं सर्वेंट क्वार्टर की। और यहाँ पे ये फ्रंट पे हम आते हैं, तो ये घर का फ्रंट है, ये टेरेस के ऊपर जो छत है ये वो वाला एरिया है। तो सामने से इसकी ज़रा बाउंड्री वॉल छोटी है तो आप ग्लास लगा सकते हैं अगर आपने इसको यूज़ करना हो तो। तो ये सर्वेंट क्वार्टर विद अटैच वॉशरूम आप देख सकते हैं, ये आपको खोल के भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे अभी फिलहाल सामान ही पड़ा होगा, ये देख सकते हैं काफ़ी खुला यार सर्वेंट क्वार्टर, सामने इसका अटैच वॉशरूम है।